जिथे जिथे भी है खून डोले दो शहीदों का। आशिक है शहादत के वो जीना छोड़ देते हैं, वो हंस के जिस्म अपने का खिलौना फोड़ देते हैं। शहीदों दी याद विच जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आओ जी सब तो पहला ताजा वाले कलगियां वाले बाजा वाले नीले दे शाह असवार तेग और कलम दे तनी मर्द अगमड़े
ना सरो मनसूर एद दी मंदूर बादशाह दरवेश शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता पिता गुरु कलगीधर पातशाह महाराज वालों बख्शिश कीता फतेह दा नारा प्रवान करिए आगे आवत सिंह जो पाव है वाहेगुरु जी की फतेह बुलावे नैन समाने नैन में बैन समाने बैन सिंह समाने गुरु में पह एन के एन एना समझियो के फतेह दी सांझ ढाडी सिंघां जां रागी सिंघां नाल फोनी है जदो शहीदां दी याद विच जुड़ के एक वरा मुखार पिंद चो वाहेगुरु कह दिता जांदा है हाजर नाजर उह प्रतख हो जांदे पर साडे विच कमियां है साडियां वेखण वालियां अखियां नहीं क्योंकि साडे अंदर उहनां नूं वेखण दा भरोसा ही नहीं प्रेम ही नहीं पर याद रखियो एक वरा फतेह बुलाओगे दो वरा वाहेगुरु जप दा सिमरन हुंदा है वाहेगुरु आख्या मुख पवित्र वाहेगुरु आख्या सब दुख चित्र वाहेगुरु आख्या सब चरित्र वाहेगुरु आख्या वैरी मित्र आज जितने शरीर बैठे हो जे निहंग सिंघां दी बोली वेखनी होवे ना कल्ले नूं सवा लख आंदे है ते दो वेखीए ते ढाई लख बणदे आ गिणती कर लिए किन्ने लख दे विच बैठे हो अज दिल्ली दी हिक ते चढ़ के बैठे दे आ कोई रसना बांझी ना रहे साडी फतेह दी जिहड़ी आवाज है ओह दिल्ली तक पहुंचनी चाहीदी है आ दिल्ली दा तख्ता एक वरा हिल जावे आओ जी बुलंद आवाज विच कोई रसना बांझी ना रहे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह सतगुरु पातशाह जीयां दे पावन कृपा दा सदका काम दे महान शहीदां दी पावन करनी ते कुर्बानी नूं याद करन दे वास्ते रल मिलजुल करके बैठे आं ऐदां दा सुहावना समां भागां वालियां नूं नसीब हुंदा है एक उर्दू दे शायर ने बहुत खूब कहा कहिंदा एक वो होते हैं जो बदलते हैं जमाने के साथ साथ लेकिन मर्द वो होते हैं जो जमाने को बदल देते हैं आए थे आपा दिल्ली दियां सड़कां ते बाबा बंदा सिंह बहादुर दे वारिस बनके अपने हकां दी खातर हर साल होने वाला तकरीबन जे वेखिया जावे इस प्रोटेस्ट नूं चलदियां लगातार 10 महीने हो चुके हैं ते प्यारे खालसा जी कहिंदे जदों हकां वाली गल चले नाम आवे बबरे शेरां दा ओ संत सिपाही तीर वाला एहो जिहा मर्द दलेरां दा आ साडा इन्ना एका बैठा जे ते सानू जबीना दे वारस बनाने वाला ओ महान बानी बेखौफ जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख कौम दे महान नगीनियां दे विचों महान योद्धा होया याद रखियो जड़ी शहादत है हर किसे दे हाथ दे विच नहीं आउंदी इबादत कर इबादत करन दे नाल गल बनदी है किसे दी अज बनदी है ते किसे दी कल बनदी है इबादत दे नाल ही शहादत दा जाम प्राप्त हुंदा क्योंकि भगती विचों शक्ति पैदा हुंदी दे कवि ने बहुत खूब किया कहिंदा चुक चुक धूड़ मत्थे लावां उन्हां रामां वाली जिन्नी राहो आए ने शहीद मेरी कम दे वारे वारे जावा ओना सिख मामा उतो जिनी कुखो जाए ने शहीद मेरी कौम दे सूली फंसी ते चरखड़ियां दे दंदे तक रता घबराई ना शहीद मेरी कौम दे एक दो नहीं सैकड़े हजारा अते लखा वर्गे अदमाए ने शहीद मेरी कौम दे इस प्रोटेस्ट दे अंदर चलदियां भी सैकड़ियां दी गिणती दे विच साडे बजुर्ग साडियां मामा नौजवान साडे वीर साडे बजुर्ग शहादत दा जम पीके गए पर अ सरकार दी कन्न ते जू नहीं सरकी पर ए सरकारा याद रखन हुंदा अत ते खुदा दा सदा वैर जी गल है जमाना जानदा गल्लां थोड़ियां कौड़ियां ने पर सियाणे कहिंदे ना कि सच ते कट चुभदा बड़ा हुंदा अत ते खुदा दा सदा वैर जी गल है जमाना जानदा ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੇਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਤੇ ਲੈਣੀ ਸਮਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਮੈਂ ਆ ਮਨਾਂ ਚ ਵਿਚਾਰਿਓ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਰੀ ਖਾਰਕੂ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਬੁੱਲ ਦੀ ਵੈਰੀਓ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਤਪਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਢਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਚਾਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ ਮੰਨੂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਤੇ ਜੋਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ
पर जेड़ा सतगुरां दा सजाया पंथ इनू मकान वाले ते मिट गए ते सतगुरां वालों जगाई अबुज जोत अज तक लट लट जग रही क्योंकि असी ओ अणियाले तीर हाँ जो कदे ना उके जालम दी एक नू पार के लग जाइए सुके सच्ची गल है चीमिया साडे ते टुके सानू मारन वाले मुक गए पर असी ना मुके जड़े गुरु दे खालसे नू मुकाउणा चुंदे सी उन्हां दा हशर साडे सामने जे जालम रोड जमदे तां वी मुक डांदे सिंह रोड मरदे तां वी मुकदे नहीं ते मैं मतावां दा जिक्र कीता सी मेरियां माइयां बैठियां दे जिथे इथे नौजवानां दा बजुर्गां दा जोश दिस रहा उथे साडियां 90-90 80-80 साल दियां माइयां बैठियां दे याद रखण इतिहास गवाही दिंदा जे कि जगत गुरु धन गुरु नानक साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जे कोई सवाल करे कि उन्हां दे सब तो पहला दीदार किने कीते एक औरत दा नाम आउंदा जे दाई दौलतां दा जे कोई यह सवाल करे कि गुरु नानक पातशाह दा पहला सिख कौन है वह भी एक औरत दा नाम आउंदा जे बेबे नानकी दा हुण अगे तुलसीदास जी कहिंदे जननी जने तो भगत जन कह दाता कह सूर नहीं तो जननी बांध रहे कहे गवावे नूर क्योंकि सूरे नित जहान विच नहीं जन दियां मामा तुसी तन हो वीर बहादुर मैं सदके जावां हुण प्राप्त तुसानू सच खंड दियां छावां भेट कबूलो यो दियो मैं भेट चढ़ावां कोमल फुल प्यार दे चुण हार बनावां बाबा बंदा सिंह बहादुर दा जिक्र करदियां रजौरी इलाके दे विच पिता रामदेव दे घर माता सुलखणी दी कुखो जन्म होया राजपूतां दे घर जन्म लिया ते शौक वी राजपूतां वाले जंगल दे विच शिकार खेडण जाना एक दिन हादसा की वापरिया शिकार खेडण गया खुद ही शिकार हो गया अखां दे सामने एक मृगनी आई मृगनी दे पेट विच तीर मारिया ते तीर मृगनी दे पेट विच आर पार होया जिहनू आपां हिरनी भी कहिंदे आ उहदे पेट विच दो बच्चे सी इहदियां अखां दे सामने तड़फ तड़फ के मरे साडे होड़ी बजी तीर कमान उत्थे सुट दित्ता घर वापस चलिया गया हुण घर भी मन ना लगा ते जंगलों विचों भटकदा भटकदा औगण नाथ दे डेरे ते जा पुज्जा जिवें अज सिखा आ तेरे सिर ते बजी दस्तार जिस तरह दिल्ली वालियां नूं चुभदी है ना आ सरकारां जिहड़ियां अखौती साध पालदियां ने इह वी प्यारे खालसा जी सानूं किसे ना किसे तरीके दे नाल सिक्कू तों दूर करन वास्ते हुण इह वी कहा जे औगण नाथ दे कोलों ने चेला बना लिया नाम माधव दास रख दिता ते शिले कढ लै पोथी दे दित्ती इहने करना कि जंतर मंतर पढ़ने जिहने इहदे डेरे च आउणा पहला तो अपने पलंग उपर बहा लेना फिर पता नहीं किहो जिहा मंत्र पढ़ना उदों ही पता लगना बाबा जी पलंग दे थले ते पलंग बाबा जी दे उते इन्हें ताड़ियां मार मार के सुना क्योंकि सुभा शिकारी सी अजे भी बड़े लोग ने जड़े कहिंदे कि बंदा बैरागी जे मेरे गुरु कलगीधर पातशाह ने बैरागी रखना सी ना ते मेरे पातशाह नूं इतनी मेहनत नहीं सी करनी पैनी जंतर तंत्र करदा सी पर प्यारियो जो बाबा बंदा सिंह बहादुर 7 सालां दे विच जुगा जिड्डा कम कर गया ना फिर कवि ने आखिया सुनिया मौत बड़ी है अड़ियल पर मौत दे अगे खड़िया बंदा ओ पंथ दी चढ़दी कला वास्ते हिक तन के अरे ओ बंदा जुल्मी राज दी जड़ पुट्टण लई वाघ हनेरी चढ़िया बंदा चढ़िया बंदा हुण इधर मेरे पातशाह गुरु कलगीधर जी सारा सरबन सवार के चार दुलारे भी कोल नहीं रखे ते वधदे जा रहे ने माछीवाड़े दे जंगलां दे विचों दमदमा साहिब दी धरत दे वल नूं दमदमा साहिब दी धरती ते आदि महाराज जीआं दा संपूर्ण सरूप तैयार करके प्रकाश दमदमा साहिब दी धरती ते आप कलगीआं वाला दक्षण नंदेड़ नूं चले पर आ रस्ते दे विच दादू दुआरे दी धरत दे ठहरे ने मेरे गुरुदेव इत्थे एक सतगुरां दे कोल महंत आए बड़े प्रेम वाले ने महाराज पातशाह हुण साडे कोल आए जो कितना समा ठहरोगे महाराज कहिंदे सी दक्षण जाणा ना महाराज उधर ना चले जायो सतगुरु कहिंदे क्यों उत्थे इक माधव दास रहिंदा बड़ा अवैड़ा पहला तो जी जी करदा मिठ बोलड़ा बनता है पर मिंट लाउंदा बेइज्जती करन लगियां महाराज कहिंदे तैनू किवें पता मैं भी गया सी फिर बोलिया पलंग ते पता नहीं किहो जिहा मंत्र पढ़िया मैं पलंग दे थले ते पलंग मेरे उते ते मैं भज के जान बचा के आया इसे करके कहना तुसी भी ना जाओ
ते जानी जान सतगुरु कहिंदे ऐ ओदियां सुतियां कलां नूं जगावण वास्ते चले आ। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी होए घोड़े ते सवार, घोड़े नूं चढ़िया चाह, घोड़ा तगड़ तगड़ करदा हवा नाल करदा गल्लां, जा पहुंचा दखण नंदेर दी धरती ते। इतिहासकार गवाही दिंदे ऐ इत्थे माधो दास दा विशिया पलंग कलगियां वाला चौंकड़ा मार के बैठा, एक बन्ने रख दिता तेग शस्त्र, दूजे पासे रखिया तीरां वाला पत्था, ते जो कौतक मेरा पातशाह वरतारिया, आओ जी बड़े प्रेम दे नाल ढाडी जथे दे पासो मिर्जे दे रूप दे विच। आ मैं साउंड वाले वीरां नूं पहले ही कह दवां, जे स्टेज ते गुट चल रही है ते ध्यान भी अपना फोकस रखो, वार वार बेनती करन दी ना लोड़ पवे। अब मिर्जे दे रूप दे विच वार करन लगे आ, आओ जी बड़े प्रेम दे नाल मिर्जे दे रूप दे विच इन्हां सतरां नूं सुनदे चलिए बई। Boom!
चाहिए वही के दम दितिया बाज ना दम मिल दे ते बिना दमा दे टोए नहीं टोए डंडे बाज खुशी दे सिया नहीं जांदा ते रोने गमा दे बाज नहीं रोए जांदे दर्दा बाज नहीं सीने विच शेक पेंदे ते शेका बाज नहीं मोती पर ओ जांदे सिर्फ दाग गुलामी दे देश उते कमी अणख दे बाज नहीं टोए जांदे क्योंकि किसे आखिया कामा दी जिंदगी नू कायम रखदे ने दान दानियां दे किसे ताकत तलवार नू मुख दसिया ते किसे फलफस पे दसे रहानियां दे ए भावे सारियां गल्लां चंगियां ने चंगे गुण ही चंगियां निशानियां दे ए पर तत सियानियां कढ़िया कौमा ज्योंदियां नाल कुर्बानियां दे ते सतगुरु पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी सजेना तख्त दे उपर एक पासे रखिया जे तेल शस्त्र दूजे बने तीरां वाला पथा हुण सिंह कहिंदे महाराज पातशाह करना की है अजी ते करना कुछ छक लईए पर इथों दे लोग कहिंदे है माधो दास ने आखिया अज दे दिन ना किसी ने कुछ खाना ना पीना ते ना अग बालनी कारण की उस दिन सूरज नू लगा होया सी ग्रहण महाराज कहिंदे भुखे मरन ए असी के मरिए जाओ जाके खाने दा प्रबंध करो ते सिंघां ने जो उत्थे फलदार दरख्त सन उन्हां दा फल चढ़ दित्ता ते इहदे बाग दे विच बकरे चढ़दे सी सिंघां ने पंज सत बकरे लगन सुटे जदों पंजा सत्ता बकरियां दे वधियां न हुण माधो दास दे ढिलियां ढिलियां गोगड़ां वाले चेले कोई आ नू भजदा कोई आ नू भजदा बाबा मारे गए बाबा लुटे गए एक कहिंदा हुण की करिए कहिंदा करना की एक पासे हो जाए बैठिए ए खालसा है इन्हां दे हाथ दे विच सत सत फुट लंबे परशे है ते पोले जे ढिड्डां दे विचों लंघण नू मिंट कोई नहीं लगना ते तीजा कहिंदा मेरी मनो कट्ठे हो गए चलदे आ जाके अपने बाबे नू दसदे आ आप ही बाबा बाबे नाल मत्था लावेगा ਹੁਣ ਪਿਆਰੀਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੇ ਵੱਲੇ ਤੇ ਉਧਰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਖੜਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਜਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਧਾਵਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਚ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਖੋਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਇਆ ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੈ ਬੜੇ ਜਲਾਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਖਲੋਣ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਖਲੋ ਜਾਈਏ ਬੈਠਣ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਪਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਖਲੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਖਲੋ ਜਾਵੋ ਬੈਠਣ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੋ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਾ ਜੇ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਜਣ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਗਾੜੀ ਝੁਕ ਗਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਖਲੋਤਾ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੇਬਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਹੁਣ ਕੱਲ ਲੈ ਕੋਈ ਬੀਰਬੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹਿਬਾ ਬੜੇ ਬੀਰਬੂਰ ਕੱਲੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਫਲ ਚੜ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਆਸਣ ਪਿਟਿਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਬਾ ਆ ਖੂੰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਲੰਗਾ ਆ ਖੂੰਜਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ
आश्रम पवित्र हो गया। कहिंदा लै सतगुरु जिथे मर्जी डुला हो डुला तो डेरे दे बैठी है। ते गुरु कलगीधर पातशाह महाराज कहिंदे वेख माधो दासा जिस देश दे विच चप्पे चप्पे ते मासूमां दा खुंड लग्या होवे और जिथे रब दे शीश ते तलवार चल गई होवे उस देश दे विच तेरा आश्रम किवें पवित्र रह सकदा है। अज तकियो किवें मेरे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज इनू झंझूर के इनू हलून के एदियां सुतियां कलानू जगारे आओ जी अलगोटियां दे रूप दे विच जथे दे पासो हे एस हो जाता है क्या तू है ना।
शीस ला गए फिर भी जिस्मा चो गई ना जान छड़ी। जिस समय माधो दास ने आख्या के महाराज पाछा आ दरख्तां दे फल झड़ दिते गल कोई नहीं पर बकरिया नू चढ़गा के मेरा आश्रम पवित्र कर दिता। महाराज कहिंदे गल सुनो साधा, जिस देश दे विच चप्पे चप्पे दे मसूमां दा खून डुलिया वे, जिथे रब दे शीस ते तलवार चलदी होवे, उस देश दे विच तेरा आश्रम किवें पवित्र रह सकदा है। कलगीधर पातशाह महाराज ने हलूणा दिता, आखिया याद रखी माधो दासा कुरबानी ते अणख तो बिना कोई काम ज्यौंदी नहीं रहिंदी। इन्ना चानण होया बड़ी बख्शिश हो गई, हाथ जोड़ दी साहबा कृपा कर ले हुण माधो दास नूं अपना बंदा बना ले। महाराज कहिंदे मेरा बंदा बनना सारा कुछ छड़ना पऊ, नाटक चेतक तेरा माता विच फस के नहीं रहना, जे तू बंदिया बंदा बनना मेरा आ सारा कुछ छड़ना पैना, बस मालक दी रजा दे विच रह के हरदम भाणा मनना पैना। जे त्यार है ते तेनू बंदा नहीं बंदा सिंह बनावांगे, ओह लकब देंगे कुरबानी दा जो अज तक किसी विरले दे हाथ आया। कलगीधर पिता जी आप भाई दया सिंह जी नाल तीन सिंह होर जिन्हां अपने दस्ते मुबारक दे नाल अमृत दा बाटा तैयार कीता, नगुरापणे दी जूठ ला के अमृत दी पाल दे के अज प्यारे खालसा जी नाम बंदा सिंह बहादुर तो जानदे आ। कुछ इतिहासकार गुरु बख्श सिंह भी कहते हैं पर जो दे नाम की प्रसिद्धि है वह बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम तो दे। अब तक यो हुण बाबा बंदा सिंह बहादुर रोज सिंघां दे कोलो वीर रस दियां बारां सुणदा है, क्योंकि प्यारे खालसा जी जेड़ा मर्दां दा इतिहास है ना सुन भी उन्हूं मर्दी सकदे है। क्यों आ गल करी दी ना स्टेजां दे उपर जदों अजोके समय दे योधियां दी बड़िया दे मुंह भर जांदे आ कि क्यों उस जरनैल दी गल कीती। पर याद रखियो सियाणे कहिंदे आ जिहड़े भुल जांदे कारनामे प्यो दादियां दे पौण फिट करन लोकी उन्हां दी औलाद नूं औलाद नूं, जिहड़े बड्ड बडेरियां दे इतिहास नूं भुल जांदे आ लोक फटकारा पाउंदे ने। अब तकियो जिस समय बाबा बंदा सिंह बहादुर ने चमकौर दा साका सरहंद दा साका सुनिया तहां निकल गईयां, बस करो सिंह होर सुनिया नहीं जांदा। आ गया सतगुरां दे कोल साहिबा हुण अपने बंदे दी कण ते दिओ थापड़ा, मैं उन्हां दुष्टां नूं सोधना जिन्हां तुहाडे मासूम लालां पर इन्ना घट आया। महाराज कहिंदे बंदा सिंह कल्ले नहीं सोधदे, साडा यार सी साई बदरदीन शाह सडौरे रहिंदा सी, मुसलमान पीर होया। समय समय दीआं सरकारां ने धर्मां दे नाम ते साडे विच वंडियां पाउण दी बहुत बाल लई, पर साडा सीस उस गुरु ग्रंथ अगे झुकदा है जेडे साहिब दी बाणी बोलदी है अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। पीर पुत्तु शाह दी शहादत दा कारण की कि मेरे कलगियां वाले दा यार है, ज्योदिया धरती विच दब के उत्ते गुड़ पा के कुत्तियां कोलों तड़वाया। महाराज कहिंदे बंदा सिया होर कोई रहिंदा रह जावे पर उस दोस्त नूं इहो जी भैड़ी मते मारी पता लग जावे कि दुष्टां दा हाल की हुंदा है। हुण महाराज पातशाह ने चुन चुन के नाम दस्से, वजीदे दा नाम, गंगू दा नाम, झूठा नंद दा नाम। हुण बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बनाई सारिआं दी लिस्ट ते गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने पंज तीर बख्शे है। कहिंदे बंदा सिया इहो तीर ने इक चलाइए सारी फाट दे विचों दी कर दईए, पर तेनू पंज दे के तोरन लगे इन्हां नूं परख लवीं, आ हुक्मनामे ने कुछ योधियां वल कर दवीं, आ नगारा तेनूं देण लगे आ। अज वी निहंग सिंह नगारे ते अमृत वेले चोटां लाउंदे होणगे। नगारा की कहिंदा है, नगारा जदों खड़कदा है योधियां जागदियां कौमां दी निशानी दी गवाही करदा है। नगारा जाग दिया कौमा दी निशानी दे, महाराज ने जिथे नगारा बख्शिया उथे केसरी निशान झंडा दे के नवाजिया ते प्यारियो नाल सिंघां दे जथे नूं दित्ता। कहिंदे बंदा सिया पंथ दे पै विच रह के गुरमते करेंगा ते जित तेरे पैर चुमेगी। अज वेख लईए लैण वास्ते ते असीं हक आए आ पर बंडियां पाउण वाले भी साडे विच बड़े है, पर एकता तो बिना कोई भी आपां मंजिल हासिल नहीं कर सकदे। जिन्नी एकता दे विच बरकत है
प्यारे खालसा जी हक असी कदे भी नहीं ला सकते। हुण जे समय गुरु कलगीधर पातशाह ने आख्या के पंथ दे पैवचरा के गुरमते करने है, सब ने दिता करते थपड़ा। बाबा बंदा सिंह बहादुर होया भी पंजाब की धरत दे वनुल वाना, कवि ने क्या चढ़िया वीर अकाली चोटा मार के उस ढाकते ने टकई भैन झंगदी ओदे मोढे तरी दुनाली पुत्री कार दी सज्जे संग उठाली बलदी लाचे ओदे नेत्र दिन बखाली तारे ढलकदे ओदी तक के चढ़त नराली झुकया काली अप्पा शेरण दा वली ते जुद दा देवता ओदे दर ते खड़ी सवाली जापे मौत भी। इधर बाबा बंदा सिंह बहादुर बत्ता आ रहा शेरी खंडर आए दो पिंड ने शेरी ते खंडर इन्हां दे विचकार गड्डिया निशान आ केसरी निशान अज भी झूंडदे है। केसरी ने निशान ए नहीं कहिंदा कि इत्थे कल्ले सिख बैठे है। इस प्रोटेस्ट दियां धुम्मां वर्ल्ड वाइड तक पै रहियां हल्ले भी क्यों जिन्ना पहला प्रोटेस्ट हो किसी प्रोटेस्ट दे विच 36 प्रकार दे भोजन नहीं लगे। जिन्निया सहूलता साडे कोल ने एनिया किसी दे कोल भी नहीं सी। एक केसरी निशान भावे 2 किलोमीटर की दूरी ते लगा क्यों ना झुलदा वे प्यासा लंघ रहा और जानता है कि इत्थे बाबे नानक का लंगर चलता होगा मैनू पानी मिल सकता है। जब भुखा है और समझ सकता भाई इत्थे मैनू प्रशादा मिलेगा ते केसरी निशान नू जदों वेखोगे ए भी दसदा कि अपने इतिहास नू ना भुलिए दियां जड़ां दे विच शहीदां दा लहू भी डुलिया जे साडी चढ़दी कला का सबूत दिंदा है। इस केसरी निशान की गवाही दे हेठ बाबा बंदा सिंह बहादुर आ सानू जबीना का मालिक बना के गया। जिस समय केसरी निशान कटे गए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश हो गया जेड़े सतगुरां ने हुक्म दिते सी कर दिते ने योधियां दे वल ते प्यारियो बाबा आली सिंह ते बाबा माली सिंह सलोदी दे रहने वाले दो भाई है। इधर जदों वजीदे नूं पता लगा ना बाबा बंदा सिंह बहादुर पंजाब की धरती नूं आया पापी ने दोनों भाइयों नूं कोल बुलाया आंदा मैं सुनिया कि तुहाडा इक जादूगर जिहा बंदा चढ़ के आ रहा। बाबा बंदा सिंह बहादुर कहिंदा है ओह मैं वेखना चाहुंदा है ओह जिहड़ा तुहाडा जादूगर जिहा बंदा है कौन। कहिंदा आउण तां दे वेखियो मैं किवें पढ़ाउंदा। बाबा आली सिंह कहिंदा वेख दुष्टा जे तो है तेरे दिल विच के तेरे कोल आवे याद रखी जरूर आवेगा। एक दिन नंगी तलवार लेके नचू ते मौत तेरे सराहने खड़ी है। जदों सच सुनाया पापी ने फड़ के कैद कर ले। उन्हां समयां विच जे कैद करना सौखा सी ते छुटना भी बहुत सौखा सी। रातों रात जेल तोड़ के फरार होए। अज एवें नहीं कहिंदे कि अज दिल्ली दीआं सड़कां नूं वेखिए सिंघां ने पुरातन जिहड़ा साडा इतिहास सी एक वार साडी कौम दी नौजवानी देश दी नौजवानी साडे बजुर्गां ने उधरा के रखिया। बहुतियां ठंडियां बर्फीलियां रातां वी असीं दिल्ली दीआं सड़कां ते कटियां। अज जून महीने दा तपदे दिन भी असीं प्यारे खालसा जी इत्थे बैठ के इन्हां दिनां नूं अपने पिंडे ते हंडा रहे हां। पर उस समय तकियो बाबा बंदा सिंह बहादुर वर्गे योधे उन्हां दे पावन इतिहास नूं दोहराउण वाला भाई जगतार सिंह हवारा यह भी जेल तोड़ के फरार होए सी। नाम की दिता गया अतवादियों का हथियार किसी नूं मारन वास्ते नहीं चुके जांदे। सिख ने हथियार रख के बंदा मारना बहुत वड्डा पाप है। हथियार रख के हाकी ना लै फिर उदों भी वड्डा पाप है। यह गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने कहा कला पिंडरां वाले शेर ने नहीं कहा। यह गुरु कलगीधर पातशाह महाराज की बाणी जड़ी कईयां नूं चुभदी है। और मेरा गुरुदेव कहिंदा कहूं किसी को राज ना दे है जो ले है निज पर शास्त्रण के अधीन है राज। क्योंकि प्यारे खालसा जी मेरे पिता गुरु कलगीधर ने उन्हां दे हाथ दे विच भी यह शमशीर फड़ा दिती जिहड़े कहिंदे सी काम हमारा तोलू तकड़ी। ध्यान नाल सुन लिओ ते शमशीर भी कली 6वें गुरु नानक ते 10वें गुरु नानक ने नहीं चकी। बाबे नानक दे इतिहास नूं पढ़िए ना। बाबे नानक दे हाथ विच जिथे एक किताब उत्थे कासा भी हुंदा सी। हुण बहुतियां नूं इह नहीं पता होणा कासा की हुंदा। कासा डंडे नूं कहिंदे आ। कासा गुरु नानक पातशाह दे हाथ विच होया करदा सी। भाई मरदाना जी ने पुछिया महाराज किताब तां मैं समझदा तुसीं क्यों रखी है।
पर हाथ विच फड़िया कासा की कहिंदा है। गुरु नानक साहब कहिंदे वेख मर्दानिया आ मेरे इस हाथ दे कासे ने एक दिन शमशीर दा रूप धारण कर लेना है। बैठन देना हुण खंडे चुकने पैन गए जो दे मैदान विच गजन गए वारी मैदान नूं छड़ के भजन गए ते अज बिना हथियारा तो एक बार दिल्ली ते जिहड़े चढ़ के बैठे सी इंज थर थर कंबण ला दिते साडे सामने सी ना बाबा वीर सिंह जी नौरंगाबाद वाले महापुरखां नूं जाणदे होवोगे 365 तों वी वध के जिन्हां दी याद विच गुरु करने उन्होंने शहादत दा जाम जबर दा मुकाबला सबर रख के किया। अज असी इत हक लैण वास्ते आया मंग ते साडी होर कोई नहीं केड़ी मंग रखी है जेड़े साडे तुसी भले वास्ते बिल पास कीते उहदे च सानू साडा भला नजर नहीं आया भाई जिन्हां हथां नाल बिल पास कीते आ उहनां हथां दे नाल पार दिओ होर असी कुछ नहीं मंगदे पर नाम की दिता गया इह जी दिल्ली खालिस्तानी चढ़ के आ गए ए दिल्ली अतवादियों ने घेर लई इथे बागी आके बैठ गए पर सिखा जो कोई तेनू बागी कहिंदा ते मान नाल क्या कर मैं बागी हां क्योंकि असी पुत्र हाँ गुरु गोबिंद सिंह दे कई कहिंदे आ सानू सरदार बागी हक सच लई लड़दे रहे मुड्डो ताईओ रिहा है साडा किरदार बागी बाबर नू जाबर कहण वाले साडे पातशाह गुरु नानक साहब बागी औरंगजेब नाल जिन्हां दी खड़कदी रही धन गुरु गोबिंद सिंह कलगी धर बागी बंदा सिंह बागी दीप सिंह बागी ते प्यारियो सराबा करतार बागी ते साडे सीस ते सजी दस्तार बागी नाल लहू दे लिखिया इतिहास बागी लोकी कहिंदे ने साडे विचार बागी ते जन्म जुलम तो जदों तक नहीं मुड़दे आ हुंदी रहूगी साडी तलवार बागी बागी बनन नूं साडा नहीं जी करदा सानूं बनाउंदी है जालम सरकार बागी क्योंकि प्यारे खालसा जी आ दिल्ली भुल गई है कि इत्थे नामे गुरु नानक ने अपने सीस दा बलिदान दिता आ 6 जून दा आपां दिहाड़ा मनाने समुचे शहीदां दी याद विच 20वीं सदी दे महान सिकंदर नाल जदे नाम दे नाल लगदा भिंडरांवाला जदों भिंडरांवाले दा नाम लईदा ना बड़िआं नूं ते पसीने छुटदे भाई किसे ना किसे तरह सानू रस्ता लभे ते इत्थों कैसदीए भिंडरांवाले नूं बखवादी कहण वाले भी बड़े ने भिंडरांवाले दे नाम नाल नाल शांति भंग नहीं हो जांदी जीवन जीउण दा ढंग आउंदा जे हक लैण दा ढंग आउंदा इंज हथ करके कदे हक मिलिआ जी दो हक ते कदे मिले होण की मिलिआ डंगा साडे पईआं रोड़े साडे ते वगाए गए अथरू गैस ते गोले साडे बुजुर्गां अपने पिंडे ते सहे ते प्यारे खालसा जी एदो वध के शांति किहड़ी होवेगी एडा पीसफुल प्रोटेस्ट जिहड़ा लभिया दे किते सारा कुछ सह के भी बैठे आ पर वेखिया दे प्यारे खालसा जी योधिया ने ओ कुर्बानियां दित्तियां जिहड़ी रहिंदी दुनिया तक सिख कौम अपने हिरदे विच वसा के रखेगी बेशक अज बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले शरीरक रूप विच साडे विच नहीं पर प्यारे खालसा जी निर्गुण रूप दे विच साडे विच ने पर साडियां वेखण वालियां अखियां नहीं जिस समय बाबा जिया ने शहादत का जाम पीना सी ना तख्त श्री अकाल तख्त साहब ते खलो के भिंडरांवाले ने बेनती की कीती सी मेरी प्रीत दे मालिक सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहब जी जिन्ना चिर तक खालसा पंथ आजाद नहीं हो जाता जरनैल सिंह बार बार जन्म लवे वार वार देश की खातर धर्म की खातर जरनैल सिंह शहीद होवे वार वार इस दुनिया से जन्म लवे ते प्यारियो अपने इतिहास नूं दराया ते जै समय ए जेल तोर के मैं हुण विचार दे अंदर रहा समा सीमत दिया अखीर दे उपर ए भी एक आपा जोशीली वार जरूर कमांगे पर हुण तकिया बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जै समय आप प्यारियो भाई आली सिंह माली सिंह फूलकिया विचों बेअंत गुरु कीआं फौजां बाबा बाज सिंह बाबा फतेह सिंह दमदमी टकसाल दा पहला मुखी बाबा दीप सिंह अपनी जथेबंदी दे
नाले पुंटिया ऐसे लगे ने हुण दरबार हुण लगे दरबार अंदर ढाडी जो छिड़िया बारा पर दे योद्धियां दे डाले फड़क उठे नेत्रां विच आए खून दे दौरे उन्हें कीतियां अनार दे वर्गियां अखां देख के मुशहरिया नुता पंजाब की धरती दे वल नूं पैर पाया सोनीपत उत्ते अपना हथ साफ किया। इस तों बाद सिंघां ने सदौरे ते हमला किया। कारण की? क्योंकि प्यारे खालसा दी पीर बुद्धू शाह दी जिन्हां नूं समान खान ने जोंदिया धरती विच गुड़ पा के उत कुत्तियां कोलों तड़वाया सी ना इस पापी नूं वी हुण इहो जी भैड़ी मौत ते मरे जिन्हां ने शहजादियां नूं शहादत दा जाम दिता शासल बैग ते बाशल बैग ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧੁਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸ਼ਤ ਇੱਥੇ ਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕੇ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਰੀ ਪਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੁਣ ਪਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੋੜੀਆਂ ਆ ਵਜੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਢਾਡੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਧਾਈਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਪਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਖਤ ਲਿਖਦਾ ਦੇ ਆਓ ਜੀ ਧਾਈਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਓ ਸੁਣੋ सूरमा
ਵੇਖਾਂਗੇ क्यों ना जाके इन्हां दा पहला ही राह टक लिए फौजा कठिया करके चप्पर चिड़ी दे मैदान बिठा पहुंचा सब तो पहला तोपा बीड़िया गई उधर मगर हाथियां दी कंध बनाई गई मैदान वेख्या सामने बारी हुक्म किया जे सिंघो ढो तगड़े एकदम बोल दियो हल्ला जोधिया पड़िया गगन मामा बाडी उपर निशाने परवाह नहीं की सिंह ने पहले दो हाथी मारे मगर ले चीका मार दे पछाड़ नरतरे हर सिंह हाथी नजरी पिया जेदे उपर वजीदा चढ़ के बैठा वेख दिया सार वजीदिया नू चाड़े ने प्यारे खालसा जी तंदियां दे उपर तीर चुन चुन के एदी छाती विच छड़े पुठा होके भवंडड़ी खा के धरती ते डिग गया एदे कोल बाबा बाद सिंह ते बाबा फतेह सिंह आए बाबा बंदा सिंह बहादुर आवाज दिंदा कहिंदा सिंह ठहरो ए पापी नू इन्नी छेती नहीं मारना मारांगे जरूर पर तड़फा तड़फा के मारांगे पता ते लगे ने किड्डे वड्डे वड्डे गुनाह करे है बाबा जी दे कहण ते नूं बलदा मगर पाया जी मैं जट सुहागा फिरदा ना बैठे खेतां दे विच कम करन वाले अज दिल्ली दीआं सड़कां ते बैठण ने सरकार ने मजबूर कर दिते पर भुले ते नहीं कि हाल किदां वहीदा है पर ध्यान दिओ जिवें जट प्यारे खालसा जी सुहागा फिरदा इहदा चंगी तरह सुहागा फेरिया आलू दी छिल वांग छिलिया गया सिंघा ने बाबा जी गाड़ी पेश किया बाबा बंदा सिंह बहादुर कहिंदा दस इन्ना कर क्यों टाया जवाब कोई नहीं सी बाबा जी कहिंदे तेल पाके अग ला दियो सिंघा ने तेल पाके सार दिता जदों अद भुना लिया होया ना अग बुझा के सिंघा ने पुठा दरख्त दे नाल टंगिया फिर कावा इला गिरजा कुत्तिया ने एदा मास नोच नोट के खा ते पापी के मारने को पाप महा बली है ये तो बात वारी आई है झूठा नंदी एनु भी दितियां तुरदियां टिकटा और सरहद दी धरती ते गड्डे ने केसरी निशान अरदास की कीती है हे शहीदों तुहाडे डुल्ले होए खून दे एक एक कतरे दा हिसाब असी लै लिया ते साडी भेट कबूल करो अरदास करके जदों सिंघा ने फतेह बुलाई इन महसूस होया जिम्मे बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह ने खुद हाजिर होके फतेह का जवाब दिता वे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह ते प्यारे खालसा जी इन साडी कौम दे महान दर ने साडे तो बाद साडे वड्डिया ने हाजरी भरनी है शहीदी का पूरा विस्तार दे नाल तुहाडे अगे जिक्र करनगे पर मैं दस दिया जंजीरां दे विच जकड़ के लैके गए ने बाबा बंदा सिंह बहादुर छोटा जिहा पुत्र 4 सालां दा अजय सिंह बाप दे सामने पुत्र दा प्यारे खालसा जी कलेजा चीरिया गया जदों बाप दे मुख नूं लाया गया ना बंदा सिंह बहादुर डोलिया नहीं कहिंदा वेख फ्रक्शियर मूंह उहनां दे मिठे कराए जांदे जिन्हां दी जित होई होवे पुत्र दिया अंदरां दा हार गले विच पाया
ਉਹ ਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮੁਖਤੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਬੜੀ ਭੂਤਰ ਦੀ ਸੀ ਬੜਾ ਟਵੀਟ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲੜਤ ਪਾਉਣੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਦਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ 1981-29 ਮਈ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾਰਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਏਗੇ ਹਮ ਸ਼ਾਨ ਸੇ ਜੀਏਗੇ ਕਸ਼ ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹਨੂੰ ਭੇਡੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਤੱਕੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਚੁੱਪਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਭਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਲਾ ਸੰਭਲ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਲਾ ਲਵੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ 14-14 ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਛਾਂਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਏ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੌਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲੀਏ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੁੜ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜਦੀਆਂ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰ ਡੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਧੀ ਵੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੈਰੀ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਆ
यह जी बहादुर काम है। अखीर ते मैं एक बार कह के समाप्ति करन लगी हाँ। आने वाले जथे नूं जीओ आया अज दा जो साडा हाल है असी किसे भी रूप दे विच कहने के आ जा पिंडरां वालिया हुण दर्द सिंघां दा बोल रिहा कविता दा कला कला बोल ध्यान नाल सुन वाला आओ जी प्रेम दे नाल सुनिए के आ जा बाबा तीर वालिया हुण दर्द सिंघां दा बोल रिहा
साड़ी शान बाबा साड़ी जिंद बाबा ते साड़ी जान बाबा जिदी गर्ज तो कंबदी अज भी दिल्ली इस जग ते ओ तूफान बाबा ते मौत पिछों भी डराउंदी तस्वीर जिस दी इस जग ते ओ महान बाबा गुरजंत सिंघा मुड़ के फेर नी तकरीर मिलनी गल्ला कर गया जो बयान बाबा गल्ला कर गया जो बयान बाबा एक बार मैं आप जी नु जिक्र करा जिथे तक भी मेरी आवाज पहुंचती है ध्यान दियो बाबा बंदा सिंह बहादुर दी शहादत नु बारंबार नमस्कारा करन वास्ते बैठे हो सामने बाबा जी दा स्वरूप दे एक बार बाबा जी दी अखां दे विच अखां पाके अपने आप नु पहचान के वेखिए कैसी है कौन अज किते साडा लहू जम ना जावे क्योंकि वह बहादुर कौम है इन किसी की मदद लैन की लोड़ नहीं पई बड़िया ने साडे तो मदद मंगी है अज जेड़े कहिंदे ना कि सिख हिंदुआ नाल वितकरा करते हैं जे वितकरा करते होंगे ना नामे गुरु नानक ने अपना आप नीसी वारना छेवे गुरु नानक ने बवंजा कलियां वाला चोला नीसी तैयार करवाना हकीकत है ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਆ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ खालसा जी एंडी रहना चाहिए जिन्ना चिर तक बिल पार के सरकार नहीं सुत दियां भुला चुका दी खिमा दियो जद बाती होए बड़ा कुछ बोलिया जांदा पर जेड़ा सच बोलिया ओदे तो असी माफी नहीं मंगांगे क्योंकि सच है ही कौड़ा पर महाराज दी बाणी कहिंदी कूड़ नखुटे नानका ओड़क सच रही जित जेड़ी है सच दी हुंदी है भावें अज मन लईए भावें कल मन लईए भुला चुका दी खिमा सारी संगत दा धन्नवाद समुचे प्रबंधक जना दा धन्नवाद जिन्हां दे हुक्म नाल आप संगतां दे दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त होया जिन्नियां भी गुरमुख प्यारे साडियां सिख जथेबंदियां कार सेवा वाले महापुरश इत्थे सेवा निभा रहे ने चाहे वह हरियाणे तो आई संगत दे विच होण चाहे पंजाब तो किसी भी कोने दे विचों हर वर्ग का बंदा बैठा सब का धन्नवाद इस तरह प्यारियो अरदास बेनती करिए सतगुरु पिता जी साडे नाल अंग संग रहना जल्द तो जल्द जिहड़ी सेंटर नाल जंग लगी है जित के घरां नूं खुशी नाल वापस लाइए आओ जी एक आओ जी एक अरदास करिए नानक नाम तेरे भाने सरबत दा भला समुची कमेटी दा भी धन्नवाद जड़े वीर लाइव चला रहे ने बहुत वड्डा उपराला अज इत्थों दियां सच्चियां गल्लां जड़ियां पंजाब विच हल्ले भी घरां विच बैठे आ चाहे घरेलू कम्मां करके इन्हां दे राहीं पहुंचाईआं जांदियां नहीं तां सानूं पता है मीडिया तो पहलां जो कुछ हुंदा रहा टीवी जड़े अखबार ने सरकार दे जड़े पालतू कुत्ते ओह चलाउंदे आ पर ए बहुत वड्डा उपराला ए भी एक संघर्ष तो घट नहीं किया जा सकता ए भी वीरां दी बहुत वड्डी करनी दे महाराज चढ़दी कला विच रखण आ हुण कोई रसना वांडी ना रहे खुशियां दे जकारे गदावे नाल हो जावे तन बाबा बंदा सिंह बहादुर दे मन नूं भावे से हर मैदान होते आओ जी प्यार दे नाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की